तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप जो है इस आईब्रो कट को कैसे लगाएं। आईब्रो कट लगाने में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी है। आप देखिए, बहुत ही सिंपल है आईब्रो कट। आप लोगों के पिक्सआर्ट में इसको खोलना है, पिक्सआर्ट में। फिर पिक्सआर्ट में आप लोगों को नीचे इस तरफ थोड़ा जाना है। ये देखिए, ड्रॉ टूल, ड्रॉ टूल में आपको क्लिक करना है और ड्रॉ में चले जाना है। फिर यहाँ से आप लोगों को इसको जूम करना है और कुछ आपको ये कलर वाला बॉक्स बना है, इसमें क्लिक करना है। फिर आपको ये जो ये निशान दिख रहा है, इसमें क्लिक करिए और फिर इसके आसपास के एरिया का जो है, मतलब जो इसमें बाल के कलर, मतलब जो खाल का कलर हो ना, इसके पास का वहाँ का ले लेना है आपको इस तरीके से। फिर आप लोगों को ब्रश लेना है, ब्रश टूल की सेटिंग कर लेना है कुछ इस तरीके से। थोड़ा डार्क कर लेना है, थोड़ा पतला अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कितना हमको पतला चाहिए। फिर आप लोगों को थोड़ा जूम करनी है फ़ोटो, फिर आप लोगों को थोड़ा हल्का से मारना है इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल सही हुआ है। मतलब आपको कतई लग ही नहीं रहा है कि कतई लगाया गया है ऊपर से। फिर मैं दिखाता हूँ फिर से मार के, थोड़ा सही नहीं हुआ। ये देखिए, जैसे कि इसको थोड़ा जूम किया और ये इस तरीके से मार दिया। थोड़ा डार्क मारना, ये डार्क मार सकते हैं अगर आप। देखिए बिल्कुल सही कट है, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सही कट है। कहीं भी आपको कट मारना है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मारना है। ये देखिए, यहाँ पे कलर आपको दूसरा चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कट मारना है इस तरीके से। यहाँ पे ब्रश टूल का साइज आप अपने हिसाब से रखिएगा, इससे थोड़ा साइज इसका बड़ा करके ऑपेसिटी थोड़ी छोटी कम कर लेनी है। और यहाँ से आप लोगों को इसी तरीके से मारना है। ये देखिए कट बन गया। ये देखिए। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।